सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कुर्ता पजामा दिखाया था, तो ये कुर्ता पजामा मेरी मम्मी मेरे लिए लाई है। तो अभी हम ये कुर्ता पजामा पहन के और वो वाला कुर्ता पजामा पहन के इंस्टाग्राम पर पोल डालने वाले हैं। सो जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। एंड अब धीरे धीरे, अभी हमें प्रांशु का दोस्त है हर्ष रावत, उसकी दीदी ने स्टूडियो खोला है, तो उनके इनॉग्रेशन में भी जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो आज दिवाली है, पटाखे फोड़ने हैं, लोगों से मिलना है, बधाइयाँ देनी है, लेनी है। सो बहुत कुछ है, सो मिलते हैं आगे। गाइस, अभी हम आ चुके हैं हर्ष की दीदी के स्टूडियो में। और भाई, ये अपना स्टूडियो है, देखो यहाँ से एंट्री है। और सब लोग एक साइड हो जाओ। सो ये प्रियांशु बैठा है, मेरा छोटा भाई। और यहाँ से ये पूरा स्टूडियो है, पॉडकास्ट के लिए दीदी रेंट पे दिया करेंगी। ये महिमा दीदी, शी इज़ द ओनर ऑफ दिस स्टूडियो। और दीदी, थोड़ा बताओ अपने स्टूडियो के बारे में। सो गाइस, वेलकम टू माय स्टूडियो एंड हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। ये स्टूडियो एंड आई एम अ फोटोग्राफर। तो हम लोगों का बिजनेस प्लान ये है कि हम लोग ये स्पेस रेंट पे भी दिया करेंगे। एंड इफ यू वांट टू हैव अ फोटो, बेस्ट फोटोग्राफी विद अस, यू कैन बुक अस। सो वेलकम टू माय स्टूडियो। यही है दीदी का मतलब, आप यहाँ पे फोटो भी, मतलब फोटो तो खिंचवा ही सकते हो। और स्टूडियो ये पूरा रेंट पे, उसी हिसाब से मतलब पूरा डिजाइन किया गया है। और पॉडकास्ट कर सकते हो। ये देखो, ये इनका मिरर है। और अभी आपने मुझे दूसरे कुर्ते में देखा था, मैं दूसरे कुर्ते में हूँ। क्या लगेगा? इसका बैकड्रॉप है पूरा। अच्छा, मैंने सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाए हो, तो अभी डेकोर करा दिए दिवाली के चक्कर में ना। अच्छा, ये हमें शायद कपड़ा लगेगा। कपड़ा नहीं है, मैंने अच्छा वाला बैकड्रॉप पेपर का है। अच्छा, पेपर का। जो प्रोफेशनल फोटो शूट्स होते हैं, फैशन शूट्स होते हैं ना, तूने देखा है जो सीडीओ पे, जिसमें प्रोडक्ट शूट्स होते हैं, वेबसाइट्स पे जो पिक्चर्स आते हैं, वो वाला मतलब एक प्रॉपर बैकग्राउंड। हाँ, ब्लैक है तो ब्लैक, व्हाइट है तो व्हाइट, उस तरीके का। मैं समझिए, बाकी यही सब है। और दीदी, लोकेशन बताओ कहाँ पे है, क्या है? सो दिस इज लोकेटेड इन अर्जुन नगर, आगरा, रावत कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर। डोंट फॉरगेट टू विजिट अस गाइस। सो अब शाम को मिलते हैं, और दिन में कुछ काम होगा तो बिल्कुल, बाकी पटाखे वटाखे फोड़ेंगे। हर्ष शाम को आ जाएगा। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज, अभी हम घर पे हैं और पूजा का, एक मिनट रुक जा भाई। सो गाइज, अभी हम घर पर हैं और पूजा का मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। तो 6:52 का मुहूर्त है और अभी 6:10 बज रहे हैं। और ये देखो, यहाँ पे शान है, ओपू है, शशांक है। फोड़ भाई, फोड़। एक और, एक और। हाँ, सो अभी पूजा करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे और मिलते हैं आगे। तो गाइज, अभी मैं पूजा वगैरह करके आ चुका हूँ, और अभी मतलब आरती वगैरह नहीं हुई है। सो अभी हमने यहाँ पे DSLR निकाल लिया, और यहाँ पे हो रहा है मेरा फोटोशूट। शान वान सब लोग हैं जो अभी पहले थे। तो मतलब ये आरती रह गई है, तो आरती वारती करने के बाद, बाकी पप्पू भी है इधर, तो मिलते हैं, फिर पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, आरती हो जाए और फिर दिए भी जलाने। सो मिलते हैं। सो गाइज, फाइनली हमारा पूजा पाठ हो चुका है, और ये है मेरे हाथ में मिठाई। और हेलो, हैप्पी दिवाली। ये सब भाई लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, पूरी गैंग आ चुकी है यहाँ पे। हाथ पे चिंगारी लग गई मेरे। सो अभी मैं इन सब की ऐसी तैसी करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। सो गाइज, आज है गोवर्धन पूजा, और ये है हमारे गोवर्धन महाराज, इनकी हमने पूजा कर ली और परिक्रमा भी लगा दी है। एंड मेरी गली में एक सीन है, क्या है वो कि हमारी गली में दिवाली से ज़्यादा गोवर्धन पर पटाखे ज़्यादा फोड़े जाते हैं। सो अभी पूरी गली सुनसान पड़ी हुई है, और आज हम फोड़ेंगे।
सबसे ज़्यादा पटाखे, मतलब सारे पटाखे हमने उस दिन बहुत कम पटाखे फोड़े थे, तो आज हम सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़ेंगे, मतलब पूरे पटाखे ख़त्म ही कर देंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा और कल आप ये ब्लॉग देखने वाले हो। सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो चलो अब पटाखे फोड़ना स्टार्ट करते हैं। सो मिलते हैं आगे। सो गाइस, यहाँ प्रियांशु ने शुरुआत की है गंधक पटाखे। देखो गंधक पटाखे पाउडर होता है देखा, और ये होती है गन, और अब प्रियांशु उसको फोड़ने वाला है। बहुत वीडियो में ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन यार बहुत ज़ोर से धमाका होता है, कानों में टी करके आवाज़ आ जाती है। सो अब बाकी पटाखे प्रियांशु लेके आ, बाकी पटाखे फोड़ते हैं और मज़ा आएगा। ये आ चुके हैं अपने पटाखे, ये देखो अभी हमारे पास इतने पटाखे, ये सिर्फ इतने ही पटाखे बचे हैं। शॉर्ट्स वगैरह कहाँ हैं सारे रखे हुए हैं अभी लेके, तो मतलब और भी पटाखे हैं हमारे पास। सो पहले भी ये फोड़ते हैं और मिलते हैं आगे। गाइज इसको कहते हैं आलू बम, और अभी देखो आलू बम, अभी देखना कैसा धमाका होगा। सो गाइज यहाँ पे अपने सारे दोस्त आ चुके हैं, ये देखो, और सब पटाखे फोड़ रहे हैं। चलो भाई जलाओ जलाओ। और सामने भी रहेंगे, वो भी पटाखे फोड़ रही है। अरे जलाओ आराम से जलाओ, ये गिर जाएगा ये। आओ नहीं जला, नहीं जला। गाइस अब थोड़ा आसमान में धुआं धुआं कर देते हैं। चलो भाई अब फाइनल बॉस की बारी है। ये हमारा 30 शॉट, और ये अपने सारे दोस्त हैं। कहाँ गए सारे दोस्त, आ जाओ। फाइनल 30 शॉट्स। हाँ अब ये 30 शॉट है इसमें, रखोगे? नहीं भैया नहीं, आग आती है। जला तू, जला आग आती है। मैं इसका भारत में सर पे ले लूँ क्या? नहीं नहीं। चलो भाई 30 शॉट। What fuck shot? रुक जाओ इंतजार करो। अभी और है, और है, और है। अभी है, सारे जल गए क्या? सो गाइस फाइनली दिवाली इज ओवर, और आज सारे त्यौहार खत्म हो चुके हैं, पूजा भाई दौर सब कुछ। और अभी भी मेरी गली में इधर कहीं पटाखे बज रहे हैं, अभी भी बजा। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।